अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, मैं आ गई एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्ती रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे कोफ्ता बिरयानी, जो कि बहुत डिलीशियस और यमी बनके और बहुत चटपटी और चटखारेदार बनेगी। तो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी से ये कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ कीमा ले लिया है, विद फैट 700 ग्राम है। इसको बाद में हम और बारीक करेंगे। अभी हम जो है यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के अनियन हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, एक मुट्ठी धनिया है और 2 से 3 जो है हरा प्याज की डंडियाँ हैं। इनको अच्छे से धो लिया और चॉपर में मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी, और एक्सेस वाटर जो है मैंने इनका रिलीज़ कर लिया। ये देखिए, मैंने पानी इनका रिलीज़ कर दिया। इनको मैं कीमे में डाल दूँगी, ताकि इनका पानी बहुत होता है तो आपका कीमे कोफ्ते जो हैं वो टूट सकते हैं। अब मैंने 2 टेबलस्पून क्रश धनिया डाला है, 1 टेबलस्पून जीरे का डाला है, 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला है, 2 टेबलस्पून भर के ब्राउन प्याज है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। यहाँ पे मेरे पास बेसन है, इसको मैंने हल्का सा भून लिया है। आपने ज़रूर भून के डालना है, कच्चा नहीं डालना, उसका एक टेस्ट आएगा। और अब मैंने एक लार्ज साइज़ का एग जो है वो इसमें डाल दिया है। इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे, उसके बाद चॉपर में डाल के हमने इसको अच्छे से चॉप कर लेना है, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ और जो ब्राउन प्याज भी हमने बीच में डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए और कीमा हमारा बिल्कुल बारीक हो जाए। तो ये देखिए, मैंने चॉपर में अच्छे से इसको घुमा लिया था। तो कीमा देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सा, ऐसे मैशी सा होना चाहिए, तब आपके कोफ्ते सही से बनेंगे। और सारा मसाला और प्याज सब अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। ब्राउन प्याज इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है, आप ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास पैकेट वाला नहीं है, बाज़ार वाला, तो आप फ्रेश भी ब्राउन करके उसको डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा सा इसमें कोफ्तों में टेस्ट देता है। अब हम पानी हाथ में हल्का हल्का लगा के कोफ्ते बना लेंगे सारे। एक ट्रे में मैंने जो है वो क्लिंग रैप को लाइन कर दिया है, उसके ऊपर मैं कोफ्ते बना बना के रखती जाऊंगी सारे। आपने गोल बॉल जो है आप लार्ज साइज़ के भी बना सकते हैं, मुझे मीडियम पसंद है तो मैं मीडियम साइज़ के ही बनाऊंगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ बना सकते हैं, बस मेक श्योर कि आपके कोफ्ते जो हैं वो क्रैक फ्री होने चाहिए, उनमें कोई क्रैक ना हो, वरना ये टूट जाएंगे। तो मैं सारे कोफ्ते बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ जब सारे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सारे कोफ्ते मेरे रेडी हो गए हैं। इसमें से जितने मुझे चाहिए होंगे मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी को आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप फ्रीज़र में भी इसको रख सकते हैं। यहाँ पे हम मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है। जैसे ही पैन थोड़ा गर्म हुआ है ऑयल, मैंने तो इसमें कोफ्ते डाल दिए हैं। आपने मीडियम हाई आंच पे इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमने बस इसको गोल्डन कलर देना है और इतना फ्राई करना है कि ये शेप होल्ड कर ले। फुल डन जो है वो ये आगे बिरयानी में हो जाएंगे, या आप कोफ्तों से कोई और रेसिपी भी बना रहे हैं तो उसमें वो फुल डन हो जाएंगे। यहाँ पे बस मैं इनको दोनों साइड से अलट पलट करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर दे दूँगी। इस तरह ये है कि ये शेप भी होल्ड कर लेंगे और अच्छा से इन पर एक फ्राइंग टेस्ट भी आ जाएगा। तो देखें, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इनको मैं एक प्लेट पर निकाल लूँगी। देखें कितना ज़बरदस्त से हमारा कोफ्ता बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल क्रैक नहीं हुआ, टूटा नहीं है, और बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। आप इस रेसिपी से कोफ्ते बना सकते हैं और कोफ्तों से डिफरेंट रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलें जी, बिरयानी मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें 1 तेज़पात डाला है, सिनेमन स्टिक 1/2 इंच डाली है, काली इलायची 2 डाली है, लौंग 4 से 5 डाले हैं, हरी इलायचियाँ 2 डाल के इनको हल्का सा मैंने कड़कड़ा लेना है। जब थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के अनियन थे, उनको मैंने स्लाइस कर लिया है और अच्छे से मैंने इनको फ्राई करना है। आपने अच्छे से इनको जो है ना डार्क ब्राउन करना है, क्योंकि बिरयानी हम जब बनाते हैं या कौरमा, तो उसमें हमें प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्याज हमारा अच्छे से ही कुछ मिनट में फ्राई हो चुका है, अच्छे से इस पर ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसमें गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा आपने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, रफली चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है, और अब अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। 2-3 मिनट भुनाई करने के बाद अब हम इसमें थोड़े से जो है वो मसाले डालेंगे, ताकि जो है वो अच्छा सा उनका भी फ्राइंग टेस्ट आ जाए। तो 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून अजीनोमोटो है, 2 टीस्पून साबुत जीरा है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून हल्दी है, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है। और यहाँ पर मैं बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा चटपटी चाहिए तो आप 4 टेबलस्पून डालें, अगर आपको कम चटपटा चाहिए तो आप
2 टेबलस्पून भी कर सकते हैं इसको। ततो मैं थोड़ी चटपटी बना रही हूँ इसलिए मैंने 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाले का डाला है और इसको अब हमने भुनाई करनी है। अब इतनी देर तक हमने भुनाई करनी है कि टमाटर प्याज जो है वो एक पेस्ट की फॉर्म ले लें। देखें कुछ ही देर हुई गुजरी है, 5-10 मिनट में हमारे टमाटर प्याज बिल्कुल गायब हो गए हैं। ये देखें एक अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब इसमें 3 टेबलस्पून मैं थिक योगर्ट का यूज़ कर रही हूँ, भर भर के मैंने 3 टेबलस्पून योगर्ट के डाले हैं और अच्छे से मैंने इसकी भी भुनाई करनी है। अब इतनी देर तक हम भुनाई करेंगे जब तक हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए और हमारी ग्रेवी जो है वो ज़बरदस्त सी रेडी ना हो जाए। तो ये देखें ऑयल सारा ऊपर आ गया है, ग्रेवी हमारी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है, सही मसालेदार चटपटी सी हमारी ग्रेवी रेडी हुई है। अब इसमें मैं 1/2 कप जो है वो पानी का डालूंगी, उसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूंगी और उसके बाद जो हमने इसमें कोफ्ते फ्राई किए थे वो हम डाल देंगे। कोफ्ते हमने जो है वो मीडियम हाई आंच पे फ्राई की हैं तो वो अभी फुल डन नहीं है, तो कोफ्ते डाल के हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे। आप कोफ्ते जो है वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 kg बिरयानी बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने 14 से 15 इसमें कोफ्ते डाले हैं। आप अपने घर वालों के हिसाब से डाल सकते हैं कि आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा बंदे हैं तो ताकि हर बंदे को 2 कोफ्ते तो ज़रूर आएँ खाने में। तो अब मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया है, ढक्कन रख के मैं इसको कवर कर दूंगी 15-20 मिनट के लिए। तब तक के लिए यहाँ पे हम चावल उबाल लेते हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा गरम मसाला डाल दिया, 1 तेज़पात, 3-4 लौंग, 1 काली इलायची, 1 बादियान का फूल, 2-3 हरी इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं। सॉल्ट जो है वो मैं 3 टीस्पून डालूंगी, 1 किलो चावल के लिए इनफ है क्योंकि हमने मसाले में भी नमक डाला हुआ है। थोड़ी सी मैं इसमें 2 ग्रीन चिली साबुत डालूंगी, थोड़े से पुदीना के पत्ते कटे हुए डालूंगी, थोड़ा सा धनिया डालूंगी ताकि चावलों में भी एक ज़बरदस्त सी खुशबू और टेस्ट आए। जैसे पानी उबल जाएगा तो यहाँ पे चावल बासमती थे इनको मैंने आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ था, पानी निकाल के चावल जो है मैं उबलते पानी में डाल दूंगी, हल्का सा मिक्स करूंगी और चावल को हम इतनी देर पकाएंगे कि जो है ये 3 कनी पक जाए और 1 कनी इसकी रह जाए। तो यहाँ पे देखिए चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, 3 कनी ये पक चुके हैं, 1 कनी कच्चे हैं जो कि ये दम पे पक जाएंगे। तो चावल को हम छान लेते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने कोफ्तों की तरफ। तो हमारे कोफ्ते अच्छे से दम हो चुके हैं, मैंने इसके नीचे अब तवा रख दिया है, हल्का सा हम इसको मिक्स देंगे। तवा मैंने तब रखा है क्योंकि अब मैं चावलों को दम लगाने लगी हूँ तो नीचे तवा रहेगा तो हमारे चावल जो हैं वो नीचे नहीं लगेंगे, अच्छे से दम हो जाएंगे। अब दम पे लगाने के लिए यहाँ मेरे पास 2 लार्ज साइज़ के पोटैटो थे, उनको मैंने फ्रेंच फ्राइज से थोड़ा सा साइज़ में मोटा कट किया और देखे मैंने जस्ट उनको हाई आँच पर फ्राई किया है, ये फुल डन नहीं है। मैंने आपको उंगली से दबा के भी दिखाया है कि ये थोड़े थोड़े अभी इसमें कच्चापन है, अगर आप फुल डन कर देंगे बिल्कुल बीच में टूट के घुल जाएंगे। तो मैंने इनको बस हल्का सा गोल्डन कलर दे दिया था और अब मैं इनके ऊपर इसको डाल रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देंगे ये। थोड़ी सी ग्रीन चिली डाली है कट करके, धनिया और पुदीना थोड़ा सा मैंने चॉप करके डाला है, बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो इनको आप ज़रूर डालें और अब ऊपर से मैं सारे चावल बॉईल हुए हुए डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो आप लेयरिंग भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा मसाला फिर चावल फिर थोड़ा सा मसाला फिर चावल, मैं एक सिंगल लेयर ही कर रही हूँ, इस तरह ज़रा काम आसान हो जाता है। तो बस जिस देचकी में आपने दम देना है उसी में मसाला बनाएं और दूध चावल उबाल लें और उसके ऊपर डाल दें। तो सारे चावल जो है मैं इनको जो है लेवल करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालूंगी, तो कलर ना हो तो बिरयानी अधूरी अधूरी लगती है इसलिए कलर तो मस्ट है। ऊपर से थोड़ी ज़बरदस्त खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस में डालूंगी 1/2 टीस्पून और बस अब इसको मैं कोई भी टॉवल ले लें, किचन टॉवल आपने डाल के ऊपर ढक्कन रख देना है, नीचे तवा होना ज़रूरी है आपके चावल ताकि नीचे से ना लगे। आँच को मैं हल्की आँच पर रख दूँगी और इसको तकरीबन मैं 30 मिनट के लिए दम दे दूँगी, ऊपर कोई भी आप हैवी चीज़ रख लें और अच्छे से ताकि ये दम हो जाए। तो मिलती हूँ आपसे 1/2 घंटे बाद। तो ये देखें बिरयानी हमारी ज़बरदस्त सी दम हो चुकी है, इसको हम खोलते हैं और मिक्स करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से एक एक चावल हमारा निखरा हुआ है, मसाला हमारा ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। आप बिरयानी को कभी भी फुल मिक्स ना करें, हल्का हल्का उसको मिक्स करके आधे वाइट चावल दिखने चाहिए, कहीं मसाला ज़्यादा होना चाहिए कहीं कम, उस तरह बिरयानी बहुत ज़बरदस्त लगती है। फुल मिक्सिंग करके बिरयानी का मज़ा नहीं आता। तो चलें जी मैं अब इसको एक सर्विंग ट्रे में सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें मैं सर्विंग ट्रे में डाल रही हूँ, देखें कितना ज़बरदस्त चटपटा सा रेडी हुआ है। कोफ्ते देखें हमारे बिल्कुल नहीं टूटे, बिल्कुल उसी तरह है। तो चम्मच आपने बहुत ध्यान से चलाना है, कोफ्ते आपके टूटने नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं सारी बिरयानी जो है वो फैला के डालती जाऊँगी, यहाँ पे सारे आप जो है अच्छे से इसको डिश आउट करें, खुशबू ऐसी आएगी कि सारे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी कोफ्ता बिरयानी बनके तैयार हो गई है, कितनी डिलीशियस और यमी लग रही है कि सारे आपके जो है ना इस बिरयानी के फ़ैन हो जाएंगे। आगे बड़ी ईद आ रही है, कोफ्ते तो हर कोई घर पर बनाएगा, तो ये बिरयानी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें मैं आपको कोफ्ता भी जो है वो तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखें कितना नरम था, एकदम
से टूटा है चम्मच लगाते ही, और ये देखें कितना जूसी और सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे, बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। बिरयानी के साथ अगर आप मिंट चटनी खाते हैं तो, या आप टमाटर प्याज खीरे का रायता खाते हैं तो वो सर्व कर सकते हैं, हम तो रायते के साथ खाते हैं। तो ये देखें मैं ले रही हूँ एक बाइट, बहुत डिलीशियस, बहुत चटपटी सी ये बिरयानी बन के तैयार हुई थी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।